हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पल्सर 150 के रिफ्लेक्टर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये है वो रिफ्लेक्टर, पल्सर 150 का जो बैक नंबर प्लेट का लाइट होता है वो है ये। और इसके रिफ्लेक्टर में आज एलईडी फिट करने वाले हैं, तो पहले आपको ये रिफ्लेक्टर ऑन करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। रिफ्लेक्टर ख़राब हो गया था इसलिए फिर मैंने बोला इसके ऊपर कोई एक वीडियो बना देता हूँ, तो अभी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये हैलोजन बल्ब होता है इसके अंदर, देख लीजिए। और अपन इसके ऊपर साइड में जहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, ये अभी नाइट व्यू इसका, वहाँ पे अपन एलईडी लगाने वाले हैं। ये इसका नाइट व्यू, तो आपको अभी टेबल पे भी दिखा देता हूँ इसका कितना ब्राइटनेस है। ये है इसका ब्राइटनेस। तो अभी इसके रिफ्लेक्टर को अभी ओपन कर लेते हैं। ये इसका जो ये जो रिफ्लेक्टर है जहाँ पे बल्ब फिट है और जिसके ऊपर रिफ्लेक्टर है वो भी ओपन कर लेते हैं। ये वाला यहाँ पे अपन एलईडी लगाने वाले हैं, तो पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके वायरिंग नीचे से, ये नीचे जो वायरिंग है इसको ओपन कर लेता हूँ पहले, फिर अपन ये ग्लास भी निकालेंगे। ये फेविक्विक से चिपकाया होता है और इसके ऊपर का भी ग्लास वो भी सेम फेविक्विक से चिपकाया हुआ है। तो पहले ये स्क्रू खोल लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। ये ओपन कर दिया मैंने, वो दो स्क्रू 4/8 स्क्रू ड्राइवर से निकाल लेना है आपको। और अभी इसका जो ये ग्लास है, एक्रेलिक ग्लास जो लगाया हुआ है नंबर प्लेट लाइट का, इसको आपके आपको इसको पुश करके निकाल लेना है। ये निकाल दिया है। और इसके सामने का जो रिफ्लेक्टर है वो भी निकाल लेता हूँ। ये जो आगे जो फिट है ये रिफ्लेक्टर, ये भी फेविक्विक से चिपकाया होता है सेम, तो इसको भी निकाल लेता हूँ मैं। ये निकल गया है। और इसके हम ये रिफ्लेक्टर के अंदर एलईडी लगाने वाले हैं। आप कोई भी एलईडी ले सकते हैं, मुझे वाइट अच्छी लगी तो मैंने वाइट लगाया है। अब ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, येलो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप फिटिंग कर सकते हो। बहुत से कलर आते हैं इसमें। तो ये वाटरप्रूफ एलईडी है जो मैंने अभी लगा दिया है, 3 स्ट्रिप लगा दिया इसकी मैंने, जैसे आप देख सकते हो। ये है इसका पॉजिटिव नेगेटिव, आपको नेगेटिव नेगेटिव साथ में जोड़ लेना है और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जोड़ लेना है। और मैं जब ये फिटिंग करने वाला रहूँगा तब भी मैं आपको वायरिंग पूरा दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और ये वाला वायर मैं यूज़ करने वाला हूँ, पतला वायर रहा तो भी चलेगा ये रिफ्लेक्टर के लिए। तो आप कौन सा भी वायर यूज़ कर सकते हो, पर वो पतला अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे फिर रिफ्लेक्टर बंद नहीं होगा आपका, तो इसलिए पतला वायर यूज़ कीजिए तो सब बढ़िया रहेगा। तो अभी मैं इसको जोड़ लेता हूँ। जोड़ने के बाद फिर आपको वायरिंग भी दिखाने वाला हूँ मैं, मैंने कैसे इसमें जोड़ा है, तो वीडियो में बने रहे। तो ये निगेटिव निगेटिव आपस में जॉइंट कर लेना है और पॉजिटिव पॉजिटिव, और फिर राइट साइड से फिर और निगेटिव निगेटिव जॉइंट कर लेना और पॉजिटिव पॉजिटिव जॉइंट कर लेना, और वहाँ से यहाँ से भी सेम वैसे ही जॉइंट कर लेना है। और फिर लास्ट से दो वायर निकाल के आपको रिफ्लेक्टर के अंदर में से आपको ये लगाना है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये वायरिंग कंप्लीट हो गई है इसकी, और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है रेड वाला, वो आपको पॉजिटिव पे जॉइंट करना है इस एलईडी स्ट्रिप के पॉजिटिव पर, उस एलईडी के स्ट्रिप के पॉजिटिव में, और नेगेटिव नेगेटिव सेम जो मैंने ब्लैक वायर यूज़ किया है। और यहाँ से फिर दो वायर निकाल के इधर भी आपको पॉजिटिव पॉजिटिव जॉइंट करना है और नेगेटिव नेगेटिव, और ऊपर साइड से फिर आपको दो वायर लेके जॉइंट कर देना है। और ये रिफ्लेक्टर में मैंने होल कर दिया है ताकि उसके अंदर से वायर चला जाए, वो बाहर दिखे नहीं, और जैसा है वैसे ही वापस फिट कर देंगे हम उसको।
ये रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे मैं फेयर क्लिक डाल के वायर चिपका दूंगा, तो वीडियो में बने रहे। अभी सब पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ से। और जो रिफ्लेक्टर है अपन इसका कनेक्शन ये नंबर प्लेट लाइट से ही करने वाले हैं। तो ये आपको आपको जैसा चाहिए आप ये इसको वायर को एक्सटेंड करके आप जॉइंट भी कर सकते हैं। तो मैंने वही के वही उसको ये कर दिया, उसको ब्रेक करके वहाँ पे लगा दिया है। ये इसका लाइट देख लीजिए, लाइट ये बहुत बढ़िया दिखेगा दूर से, तो बहुत ही बढ़िया दिखेगा ये रिफ्लेक्टर लगने के बाद। ये अभी रिफ्लेक्टर नहीं लगाया, ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको। ये है इसका नाइट व्यू, ये अभी रिफ्लेक्टर नहीं लगाया मैंने, अभी ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको। और इसका अभी टेबल पे व्यू भी दिखा देता हूँ, कितना ब्राइट है ये, इतना ब्राइट होगा। पर ये अभी जब रिफ्लेक्टर लगा देंगे तो थोड़ा सा हल्का सा डिम होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लगा लेता हूँ इसके ऊपर का रिफ्लेक्टर, जैसा वो निकाला था अपन ने वैसे ही फेक एक से चिपका के लगा देंगे अपन, एकदम प्रॉपर फिट बैठ जाएगा। ये अपन ने अंदर से वायर लिए इसलिए वो प्रॉपर बैठ जाएगा, नहीं तो फिर बाहर से लेते तो बेकार दिखता था। तो अभी इसका फेक एक से चिपका देता हूँ ये रिफ्लेक्टर और ये नंबर प्लेट का लाइट, फिर आप वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये सब चिपका दिया है मैंने और ये वायर स्ट्रिप करके लगा दिया है ब्लैक। इसका पल्सर 150 में ब्लैक पे येलो स्ट्रिप, ये इसका नेगेटिव होता है पल्सर में, पल्सर के और मॉडल में यही है। और इसका नेगेटिव नेगेटिव में लगा दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव में लगा दिया। अगर आपको वायर स्ट्रिप नहीं करना है तो आप डायरेक्ट सॉकेट में भी लगा सकते हैं। तो मैंने स्ट्रिप स्ट्रिप करके लगा दिया ये वायर। तो इसका अभी लाइट दिखा देता हूँ आपको, ये है इसका लाइट देख लीजिए। अब ये आपको ये लाइट ऑन है अभी, अभी आपको नाइट व्यू में भी दिखा देता हूँ। ये इसका व्यू, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है एकदम। अगर आपको बनाना है तो आप भी बना सकते हो, मैंने वाइट लाइट यूज़ किया, अभी रेड भी यूज़ कर रेड यूज़ करोगे तो और अच्छा दिखेगा। मेरे पास वाइट अवेलेबल थी इसलिए मैंने वाइट यूज़ किया इसमें लाइट। ये देखिए कितना ब्राइट है, और ये नीचे नंबर प्लेट लाइट। तो आपको जैसा चाहिए वैसा फिटिंग कर सकते हो आप। यहाँ पे LED स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हो, पर वो फिर ग्लास लगेगा नहीं ऊपर का, तो इसलिए आपको वाटरप्रूफ स्ट्रिप विदाउट वाटरप्रूफ स्ट्रिप आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको पैक कर लेता हूँ और आपको डे लाइट में दिखा देता हूँ कितना विजिबल है ये। ये नॉर्मल आपका रिफ्लेक्टर का भी काम करेगा डे लाइट में, और इसका LED का भी काम। LED अभी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, ये इसका डे टाइम। ये वैसे मैंने नंबर प्लेट पे किया है, आप ब्रेक पे करोगे तो और अच्छा दिखेगा। ब्रेक लाइट के सॉकेट में भी आप फिट कर सकते हो इसको, जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तब ये लाइट जलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही मॉडिफिकेशन रिलेटेड मैं कंटेंट बनाते रहूँगा। आप कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ वीडियो, तो उस टॉपिक पे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।